हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टेक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 22 फरवरी 2024 और देखिए 22 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर मूवी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यह 20 फरवरी को मनाया गया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में वर्चुअल मोड में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। जापान में मनाया जाने वाला शोमिन साई महोत्सव यह भी समाप्त कर दिया गया है जो 1000 साल पुराना है। सुहानी भटनागर का निधन हो गया, यह अभिनेत्री थी। भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है उपेंद्र द्विवेदी ने। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 यह इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आज के क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजेंडी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे अभी शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। शशि थरूर ये कांग्रेस के नेता हैं और इसी के साथ यह लेखक भी हैं। इनको भी फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, ये देखिए ये फ्रांस की लैंग्वेज जो है फ्रेंच, इसमें लिखा गया है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे भी इनको सम्मानित किया गया है। शशि थरूर ये महत्वपूर्ण लेखक भी हैं, तो इनकी जो बुक्स आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं उसमें है अम्बेडकर अलाइव, द स्ट्रगल फॉर इंडिया, सोल एंड इरा ऑफ डार्कनेस, पैक्स इंडिका एंड द ग्रेट इंडियन नॉवेल। इसमें जो एन इरा ऑफ डार्कनेस है ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और अम्बेडकर अलाइव ये भी, तो ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप सभी को हर हाल में याद रखना है। ठीक, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, इसका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ जायद। और देखिए, रसिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल, ये भी आपको याद रखना है। और मिस्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल। अच्छा, यहाँ पर हम आपको क्या बताने वाले हैं कि ये जो चारों देश हैं इनके सर्वोच्च सम्मान, इनके नाम मैंने आपको बताया है, तो इन चारों देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं ये किसको मिल चुके हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको इन चारों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, फ्रांस का राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो चलती है, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। अभी 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है 75वां, उसमें चीफ गेस्ट रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, और ग्रेबियर अटल ये 34 वर्ष के प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। और देखिए, जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर टंग डे के रूप में मनाया गया है। ठीक, और देखिए इसके बारे में एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी जो थीम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ, यह थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 की।
इस बार इसका 25वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की थी। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया है और यूनेस्को को इस वर्ष की यानी कि जो 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया गया है इसकी प्रमुख एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया है। ठीक, यूनेस्को के बारे में अभी मैंने बताया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ठीक, और देखिए फरवरी मंथ में महत्वपूर्ण दिवस जो मनाए गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण थीम है उनको भी देखने वाले हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, इसकी थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है, साथ ही साथ विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस 2024 की जो थीम है क्लोज द केयर गैप है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसी के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और विश्व दलहन दिवस 2024 की जो थीम है दालें पौष्टिक मिट्टी और लोगो। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को एक और दिवस मनाया गया है, विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 की जो थीम है इनोवेट है। ठीक, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस के रूप में मनाया गया है और 20 फरवरी को मनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 की जो थीम है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग एलियंसेस, ये थीम है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 की। तो ये इतने महत्वपूर्ण जो दिवस मनाए गए हैं फरवरी मंथ में, ये सभी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपसे फरवरी मंथ में कोई भी दिवस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है माल्टा। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य देश बना है, जो कि 119वां सदस्य देश बना है। तो वर्तमान में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें 119 सदस्य देश हैं। अच्छा, जो जर्मनी है, जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अच्छा, एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला देश कौन सा बना है? तो चीन बन गया है। जापान, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है कि लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने वाला जापान दुनिया का पहला देश बनेगा। अल सल्वाडोर, तो जो बिटकॉइन होती है, बिटकॉइन को एज अ लीगल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करने वाला अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बना है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट देख सकते हैं माल्टा के बारे में। तो राजधानी वैलेटा है, करेंसी लीरा चलती है और माल्टा के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है रॉबर्ट अविला। और जो माल्टा है ये इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है। इसमें 3 द्वीप शामिल हैं, कौन कौन से? गोजो, माल्टा और कोमिनो। इसमें जो माल्टा है यह सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, मई 2004 में माल्टा देश यूरोपीय संघ का सदस्य भी बन गया है। यहाँ पर आप ये लोकेशन देख सकते हैं। और देखिए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में लोकेटेड है और इसके अध्यक्ष हैं आर के सिंह।
अब इसके कितने मेंबर हो गए हैं, तो 119। लेटेस्ट कौन है, अभी माल्टा बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संबलपुर। ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया है। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में और जो नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे कहाँ कहाँ, अंगुल, भद्रक, ढेकनौल, तालचेर, देवगढ़, ये 5 स्थान हैं। यहाँ पर अन्य सेंटर भी स्थापित किए जाने वाले हैं। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो पटना है बिहार का, यहाँ पर तांबे की आरड़ वाला भारत का सबसे बड़ा बापू टावर स्थापित किया गया है गुवाहाटी। तो देखिए, अभी गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4th संस्करण का उद्घाटन किया गया है। और जो लखनऊ है, लखनऊ को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी यानी कि AI सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। लखनऊ यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। लखनऊ का जो चिकन की कढ़ाई है ये बहुत ही फेमस है, इसको GI टैग मिला हुआ है। ठीक, ओडिशा मैप यहाँ पर देख सकते हैं, ओडिशा का जो येलो शेडेड पोर्शन है ये इंडिकेट करता है ओडिशा को। राजधानी भुवनेश्वर है, इस राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक और यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है श्री रघुवर दास। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। आधिकारिक भाषा ओडिया है और जिलों की संख्या है 30। देखिए, ओडिशा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, अच्छा, ओडिशा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, अभी मुख्यमंत्रियों की पॉपुलैरिटी से रिगार्डिंग एक जारी की गई है रैंकिंग, उसमें जो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये टॉप पे हैं, यानी कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपर्युक्त तो दोनों यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन दोनों राज्यों की स्थापना दिवस को 20 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 से प्रतिवर्ष 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ठीक, और देखिए मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान में जो 53वां संविधान संशोधन हुआ 1986 में, उसके द्वारा मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई है। तो ये दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमीन सयानी का निधन हो गया है, वे कौन थे, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रेडियो प्रस्तोता यानी कि रेडियो प्रेजेंटेटर थे। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं, इनका भी निधन हो गया है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं, तो देखिए अभी इन द हीट ऑफ नाइट के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है नॉर्मन जेसन, अभी इनका भी निधन हो गया है 97 वर्ष की आयु में। ठीक, और देखिए पॉपुलर टीवी एक्टर ऋतु राज सिंह इनका भी निधन हो गया है अभी हाल फिलहाल में। और अनुभवी कलाकार ए रामचंद्रन,
ई रामचंद्रन, इनका भी निधन हो गया है। तो ये चारों व्यक्ति जो हैं इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरवाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एलेक्स डॉसन ने इस पुरस्कार को जीता है। यहाँ पर एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के कारण इनको अंडरवाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है। और देखिए ये कौन है, तो ये स्वीडिश फोटोग्राफर हैं, ठीक। इनको ये पुरस्कार वेल बोन्स जो एक तस्वीर है इसके कारण मिला है, जो कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के बर्फीले विस्तार के नीचे ले जाती, जहां एक गोताखोर को खोज करते हुए देखा जाता है। इसी तस्वीर के लिए इनको अभी यह पुरस्कार मिला है, अंडरवाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का। देखिए बाकी की जो ऑप्शंस है उनको भी देख लेते हैं। तो अभी जो नीमा सरीखानी है, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 में पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? पोलर वियर की तस्वीर की वजह से नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। अच्छा, जो एस सोमनाथ हैं ये इसरो के चीफ हैं, यानी कि इसरो के प्रमुख हैं, इनको भी KPP नाम्बियर पुरस्कार मिला है, ठीक, नाम्बियर पुरस्कार। और गुलजार राम भद्राचार, इन दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह दिया जाएगा। तो ये पांचों पुरस्कार आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी है, नेपाल में इसको आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो शांति प्रयास है इसका आयोजन तो नेपाल में किया जा रहा है, लेकिन इसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित टोटल 19 देश भाग ले रहे हैं। इसी वजह से यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। अच्छा, जो नेपाल की राजधानी है कौन सी है? काठमांडू। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, करेंसी यहाँ पर रुपया चलती है और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक। अच्छा देखिए, जो भारत है इसने हैजे से प्रभावित जाम्बिया को चिकित्सा और सामग्री सहायता भेजी है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए बांग्लादेश के ढाका में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण, ठीक। पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान अभी इनको गुप्त सूचनाओं के लीक करने के कारण 10 वर्ष की जेल हो गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है, ठीक। इसकी जो थीम है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, थीम है टिकाऊ कृषि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम। इसका आयोजन 19-20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया है, ठीक। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो जो गांधीनगर है यहाँ पर अभी अहमदाबाद प्रीमियर लीग इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक। गुजरात के गांधीनगर में अहमदाबाद प्रीमियर लीग का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। असम का जो गुवाहाटी है यहाँ पर 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। और जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या है यहाँ पर अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू हैं इनको GI टैग दिया गया है, बेसन के लड्डू को। और देखिए यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन भी स्थापित की गई है। अयोध्या में लोगों को ठहरने के लिए
जो जगह है वो इजीली अवेलेबल हो सके, इसके लिए ही पेइंग गेस्ट योजना भी शुरू की गई थी। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू है यहाँ पर अभी भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसकी लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसको T50 के नाम से भी जाना जाएगा। ये खारी सुंबर खंड के बीच से गुजरती है, ठीक। और देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है इसको बाहरी लोगों के द्वारा खरीदे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गोवा, यहाँ पर अभी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, ये तो आप सभी को याद हो गया होगा, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। और देखिए जो राजस्थान है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 यानी कि इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है, ठीक है। और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए आज होमवर्क दिया था, यू तिरोट सिंह खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है, बांग्लादेश के ढाका में इसका अनावरण किया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कॉमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।